हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। शॉर्ट सीरीज के स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्चर एंड द लायन। आर्चर मतलब होगा धनुर्धर या धनुष जो चलाने वाला है उसको, और लायन दोनों के बीच की स्टोरी है। अ स्किल्ड आर्चर वेंट इनटू अ फॉरेस्ट टू हंट। स्किल्ड मतलब होता है क्या, गुणी, जिसके पास स्किल है, जिसके पास कोई भी काम करने का महारत हासिल हो। तो स्किल्ड आर्चर मतलब गुणी धनुर्धर था, काफी तेज था। वेंट इनटू, गो का पास्ट होता है वेंट, गया। इनटू अ फॉरेस्ट, जंगल में, किस लिए गया, टू हंट, शिकार करने के लिए। ऑन सीइंग हिम, उसे देखकर ऑल द बीस्ट इन द फॉरेस्ट वर फ्राइटेंड। बीस्ट का मतलब होता है जानवर, तो सभी जानवर जो थे जंगल में, जंगल के सभी जानवर, इस तरह से हम लोग सेंस करेंगे, वर फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत, भयभीत थे। वनली अ लायन, सिर्फ शेर, स्टेड बैक, वहां पर रुका रहा। स्टेड बैक मतलब होता है रुके रहना, पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग मीनिंग निकालेंगे, रुका रहा। एंड और चैलेंज्ड हिम, उसे चुनौती दिया, किसे, आर्चर को जो धनुर्धर था। चैलेंज हिम टू अ फाइट, एक लड़ाई के लिए क्या किया, उसे चुनौती दिया। द आर्चर इमीडिएटली शॉट एन एरो एट द लायन एंड सेड इन ए लाउड वॉइस, सी माय मैसेंजर हैज समथिंग टू टेल यू। देखिए, आर्चर जो धनुर्धर था तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, शॉट एन एरो, एरो मतलब तीर छोड़ा, किस पर, एट दी लायन, लायन पर, शेर पर एक तीर छोड़ा। एंड और कहा, इन ए लाउड वॉइस, और एक तेज आवाज में कुछ कहा, क्या बोला, सो देखिए, सी, देखो, माय मैसेंजर हैज समथिंग टू टेल यू, मेरा जो मैसेंजर है उसके पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। दी लायन वॉज ऑन्डेड बाय द एरो, लायन जो था, शेर जो था, वो घायल था, किसके द्वारा, तीर के द्वारा, जो तीर उसको लगा तो उसे क्या हो गया था, वो घायल हो गया था। ही रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह भागने लगा जितना, उतनी तेजी से जितना वो भाग सकता था। ही कुड का मतलब होता है जितना वो कैपेसिटी से कोई काम कर सकता है, तो यहां पर सेंस सारा भागने का काम कर रहा है, तो उसी सेंस में हम इसको करेंगे, जितना वो भाग सकता था उतनी तेजी से वो भागने लगा। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, हु हैड सीन इट ऑल, हु किसके लिए आया, फॉक्स के लिए, जिसने देखा था इन सारी चीजों को, इन सारी घटनाओं को जिसने देखा था। ये फॉक्स के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये सारी घटना जो हुआ था आर्थर और लैन के बीच में, उसको फॉक्स ने, माने लोमड़ी ने देखा था। ये कॉमा के अंदर में है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अ फॉक्स, अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे, अ फॉक्स केम टू द लायन, जिसको इन सारी बातें पता थी, तो लोमड़ी आया, कम केम कम होता है, तो आया किसके पास, शेर के पास आया। एंड सेड, और कहा, डोंट रन अवे, मत भागो, फाइट हिम, उससे लड़ो, किससे, आर्चर से। द लायन सेड, लायन ने कहा, नो, नहीं, इफ ए मैसेंजर कैन इंजर मी दिस बैडली, अगर एक मैसेंजर जो है, जो किसी और का भेजा हुआ है, जिसको बोलते हैं कि संदेशवाहक बोलते हैं, एक तरह से इसका हिंदी होता है, लेकिन यहां पर आएगा किसी के आदमी जो है, किसी के बदले में जो भेजा गया आदमी है, कैन इंजर, कर सकता है घायल मुझे इतनी बुरी तरीके से, कॉमा है, थिंक व्हाट द मैन हु हैड सेम हिम कैन डू, तो सोचो कि व्हाट द मैन, क्या वह आदमी जिसने, हु किसके लिए है, मैन के लिए है, हु हैड सेंट हिम, जिसने इस मैसेंजर को भेजा है, व्हाट द मैन कैन डू, वो आदमी क्या कर सकता है, सोचो, जिसने मैसेंजर को भेजा है वो आदमी क्या कर सकता है, एक्सक्लामेशन दे रहा है, मतलब एक आश्चर्य पैदा हो रहा है लैंग्वेज में, कि जब ये मैसेंजर मेरा इतनी बुरी तरीके से हमको हरा सकता है, इंजर्ट कर सकता है, तो वो जिसने इसको भेजा वो मेरे साथ क्या करेगा, सोच भी नहीं सकते हैं।
इट्स अ डेंजरस, ये खतरनाक है, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, टू हैव एन एनिमी हु कैन इजिली स्ट्राइक फ्रॉम ए डिस्टेंस, कह रहा है ये खतरनाक है एक शत्रु रखना या शत्रुता करना उस तरीके से, हु जो किसके लिए है, एनिमी के लिए है, कैन इजिली स्ट्राइक फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो दूर से ही आसानी से आपको मार सकता है, घायल कर सकता है, वो काफी खतरनाक है। यही आज की स्टोरी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, बीवेयर ऑफ द डेंजर दैट लर्क्स अराउंड यू, कह रहा है कि खतरों से आप सावधान रहिए, और डैट किसके लिए है, डेंजर के लिए, लर्क्स अराउंड यू जो आपके अगल बगल में, लर्क्स मतलब होता है मंडराना, जो आपके अगल बगल में मंडराता है, उन खतरों से क्या रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो यही आज की स्टोरी थी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।